हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ खाने के शक में युवक की पीट पीट कर हत्या। गौरक्षा दल के सदस्यों पर मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल। चरखी दादरी केस में पुलिस ने दो नाबालिग के साथ साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों को जेल और 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चरखी दादरी की घटना को बताया गलत। कहा, लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है गाय, लोगों को ऐसी घटना से बचना चाहिए। मायावती ने चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग की निंदा की। उन्होंने सरकार से आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी घटना की निंदा की। उन्होंने कहा, बीजेपी के हाथ डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। सांसद धर्मवीर सिंह ने चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चरखी दादरी की घटना पर उठाए सवाल। पोस्ट में लिखा, बीफ के नाम पर एक गरीब मुसलमान की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के धुले में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल। बुजुर्ग पर ट्रेन में बीफ के साथ यात्रा करने का आरोप। ट्रेन में बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर रेलवे पुलिस ने दर्ज किया मामला। 3 आरोपी हिरासत में। ट्रेन में बुजुर्ग पिटाई पर वारिस पठान ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के चुरू में मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर हुआ विवाद। हालात को देखते हुए थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा। बदलापुर बच्चों से छेड़छाड़ के मामले में पीड़ित बच्चों ने आरोपी अक्षय शिंदे को पहचाना। आरोपी की पहचान कल कल्याण कोर्ट में हुई। कोलकाता कांड को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी। बीजेपी युवा विंग ने कैंडल मार्च निकालकर सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। कोलकाता की घटना पर जीतन राम मांझी ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, ममता बनर्जी से संभल नहीं रहा है बंगाल। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस का बीजेपी पर हमला। कहा, बंगाल में बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। सूत्रों का दावा, कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय ने जेल में मांगा अंडा और चौमेन। खाने में रोटी सब्जी मिलने पर संजय रॉय को आया गुस्सा। बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जगन्नाथ सरकार का ममता सरकार पर हमला। का आरजीकर अस्पताल में जिन लोगों ने सबूत गायब किए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बिल लाना जरूरी है। कोलकाता केस में कांग्रेस नेता धीर रंजन चौधरी का बयान। का सीबीआई को निशाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है ममता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। दोनों के बीच करीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कोलकाता की घटना को देश के लिए कलंक बताया। दोषियों के लिए फांसी की मांग की। कोलकाता में टीएमसी के नेताओं ने किया प्रदर्शन। का सीबीआई को देना होगा हर सवाल का जवाब। कोलकाता केस में मीडिया ट्रायल पर भी उठाए सवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में कड़ी कार्रवाई की मांग की। एआईयूडीएफ के पूर्व नेता सिद्दीकुर रहमान की विवादास्पद फेसबुक पोस्ट। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में काम करने वाली असमिया महिलाओं को दी चेतावनी। दिल्ली बीजेपी ने प्रीत विहार में सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखने का आरोप लगाया। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना पर आज एमबीए का विरोध मार्च। हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक निकालेगी विरोध मार्च। महाविकास अघाड़ी के मार्च को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया राजनीतिक। कहा, महाविकास अघाड़ी ने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पार्टी के प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। राजीव रंजन प्रसाद नए राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, तेजस्वी को बांग्लादेश के मुसलमानों से हमदर्दी है, भारत के हिंदुओं से नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का मुंबई की सीटों पर फॉर्मूला लगभग तय। 18 से 20 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, 12 से 14 सीटों पर कांग्रेस, 3 से 4 सीटों पर लड़ सकती है एनसीपी। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति की देर रात तक चली मीटिंग, जिसमें सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक महायुति में मेरिट के हिसाब से सीट शेयरिंग होगी। बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। केरल में आरएसएस के समन्वय बैठक का दूसरा दिन। संगठन और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन पर बनेगी रणनीति। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, देश में विपक्ष की जाति जनगणना की मांग और संघ सरकार और बीजेपी में बेहतर कोऑर्डिनेशन पर चर्चा होगी। हरियाणा में बदली विधानसभा चुनाव की तारीख। 5 अक्टूबर को होगा मतदान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को होगी मतगणना। बीजेपी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने का किया स्वागत। प्रदीप भंडारी ने कहा, चुनाव आयोग ने तथ्यों के आधार पर फैसला लिया। नायब सिंह सैनी ने कहा, चुनाव आयोग ने सबको ध्यान में रखकर फैसला लिया। हरियाणा में ज्यादा वोटिंग होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदले जाने पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कुमारी शैलजा ने कहा, जनता का विश्वास खो चुकी है बीजेपी।
हरियाणा में चुनाव की तारीख बदले जाने का INLD ने किया स्वागत। अभय चौटाला ने कहा चुनाव आयोग के फैसले पर मतदाताओं पर पड़ेगा असर। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, का हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हारेगी बीजेपी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बीजेपी पर हमला, का हरियाणा की जनता ने बीजेपी को सरकार से बाहर निकालने का मन बना लिया है। भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना, का वोटिंग से पहले ही हार मान चुकी है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड के देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की, सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी, कल प्रदर्शन में किसानों का समर्थन करने के लिए पहलवान विनेश फोगाट पहुंची थी। यूपी के बहराइच में वन विभाग के अधिकारियों ने दो और भेड़ियों को ट्रेस किया, उम्मीद की जा रही है कि आज या कल तक उन्हें पकड़ लिया जाएगा। बहराइच के सिकंदरपुर इलाके में फिर दिखा आदमखोर भेड़िया, रात को सर्च ऑपरेशन के दौरान महसी विधानसभा के विधायक सुरेश्वर सिंह के बेटे ने ली तस्वीर। बहराइच में किशन के घर पहुंचे कमिश्नर शशि भूषण लाल, 4 अगस्त को 8 साल के किशन को उठा ले गया था भेड़िया। राजस्थान के राजसमंद में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर पैंथर, 26 अगस्त को बकरियां चरा रही महिला को दिखा था पैंथर। यूपी के ललितपुर में गांव में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया, सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। बिहार के औरंगाबाद में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की साजिश नाकाम, जंगलों में लगाए गए 3 IED को किया गया डिफ्यूज। शामली में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के बिजनौर में शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार बाइक में गौवंश से टकराने के बाद आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। केरल के कोच्चि में प्राइवेट बस कंडक्टर की चाकू मारकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग लड़की के अपहरण और उसे बेचने की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश किया, पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को मौके से गिरफ्तार किया। यूपी के जालौन में गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन, 6 गौ मांस तस्करों की 1,14,00,000 की संपत्ति कुर्क। मध्य प्रदेश के सतना में नर्सिंग के पेपर में पकड़ा गया मुन्ना भाई, आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। यूपी के इटावा में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाई पकड़े गए, दोनों आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज। यूपी के पीलीभीत में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जी नाम से परीक्षा देने आए युवक गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ जारी। जालौन में भी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, फर्जी आधार कार्ड से पकड़ा गया युवक। बिहार के बक्सर में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मुंबई के खार में पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के दौरान शख्स के जेब में डाली ड्रग्स की पुड़िया, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, वीडियो वायरल। आगरा में पुलिस चौकी की छत गिरने से 3 लोग घायल हो गए, गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में 2 IED बरामद, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश थी, IED को डिफ्यूज किया गया। झारखंड के धनबाद में एक तालाब से महिला का कटा हुआ सिर बरामद हुआ, जांच में जुटे पुलिस, तंत्र मंत्र के चक्कर में बलि दिए जाने की जताई जा रही है आशंका। उन्नाव के जिला जेल में रेप के आरोपी कैदी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, पीपल के पेड़ से लटका हुआ मिला शव। मध्य प्रदेश के रायसेन में पूर्व पार्षद के भांजे पर हुआ जानलेवा हमला, जिम में विवाद के बाद तलवार से हमला हुआ, आरोपी गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। असम के सोनितपुर जिले में नदी में मछली पकड़े गए लोगों को मिला चीन में बना हुआ मोटार, सेना के जवानों ने मोटार को डिफ्यूज किया। कन्नौज में अखिलेश यादव से हाथ मिलाने के दौरान 2 समर्थकों में हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को अलग किया। सूरत में मोबाइल छीनने की कोशिश में नाकाम रहने पर किया गया जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। बिहार के मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया, घर से अवैध हथियार बनाने का सामान भी बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में गांव वालों ने चोरों की सरेआम पिटाई कर दी, दुकान के गले से पैसा निकालते हुए पकड़ा गया चोर। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से कैश और सोने चांदी के गहने बरामद। गोपालगंज पुलिस ने 5 दिन पहले अगवा हुए मासूम को बरामद किया, बच्चा खरीदने के आरोप में डॉक्टर दंपत्ति भी गिरफ्तार।
बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने एटीएम से उड़ाए 2,78,000 रुपए, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के इटावा में आपसी विवाद के बाद एक युवक की हत्या, वारदात के बाद आरोपी ने जीआरपी थाना पहुंचकर सरेंडर किया। मध्य प्रदेश के आगरा में बच्चों को स्कूल ले जा रही एक बस पलट गई, हादसे में दो बच्चे घायल। उन्नाव में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आपस में भिड़े घरवाले और ससुराल पक्ष। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस की कार्रवाई, ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 2 किलो हेरोइन पकड़ी गई। बिहार के बेतिया में पुलिस ने 2 साइबर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कई एटीएम और मोबाइल फोन बरामद। यूपी के मैनपुरी में नहर में कूदे लड़के की पुलिस ने बचाई जान, शराब के नशे में नदी में कूदा था शख्स। जोधपुर में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बारिश के बाद जोधपुर से जयपुर जाने वाले हाईवे पर सैलाब नजर आया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद पुली चिंतला बांध में पानी ओवरफ्लो हो गया, लोगों से बांध के करीब नहीं जाने की अपील की जा रही है। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, संगम घाट पूरी तरह से बाढ़ में डूबा। गुजरात में भारी बारिश के चलते सब्जियों के दाम में उछाल देखने को मिला, गुजरात के कई इलाकों में 7 दिनों से बारिश जारी है। गुजरात के पोरबंदर में लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेलंगाना में बारिश के बाद नदियां उफान पर है, नागार्जुन सागर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों से बांध से दूर रहने की अपील की जा रही है। बिहार के भागलपुर में लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया, खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम में समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी का हुआ चयन, परिजनों में खुशी की लहर, मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से हमला, रूस का दावा, रात भर मॉस्को समेत कई इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन से किए हमले। रूस का यूक्रेन के कुर्स्क पर हमले तेज, रूसी सेना ने यूक्रेन के जेट विमान को मार गिराया, सैन्य ठिकानों पर साधा निशाना। गाजा के वेस्ट बैंक में इसराइल का ऑपरेशन जारी, जनिन इलाके में काले धुएं से ढका आसमान। गाजा में इसराइल के हवाई हमले में 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा। यमन में एक गैस स्टेशन पर भीषण धमाका, हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर, आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में लिया। लाओस में भारतीय दूतावास की बड़ी कार्रवाई, 47 भारतीयों को साइबर स्कैम सेंटर से बचाया गया। चीन और फिलीपींस में बड़ा तनाव, दक्षिण चीन सागर में एक दूसरे जहाज को टक्कर मारने का आरोप लगाया। दक्षिण यमन में बंदरगाह के पास जोरदार धमाका, हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। जापान के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश, समुद्री रास्ते से घुसपैठ करने के लिए जासूसी जहाज का इस्तेमाल कर रहा है चीन।